सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो आप कभी सुना ही नहीं होगा आपने आज तक। मैंने कुछ लोगों को मजाक में ये बात बताई है, लेकिन वो बात सच थी। आज का टॉपिक है कि मैंने शादी क्यों नहीं की। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और मुझे खुद आज तक ये नहीं समझ में आया कि मैंने शादी की है या मेरी शादी नहीं हुई है। देखिए, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। ऐसा मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी शादी हो चुकी है। तो आप सोचेंगे, अगर आप मुझे ऐसा लगता है तो वो बीवी कहाँ है, वो प्राणी कहाँ है जिससे मेरी शादी हुई। आइए समझते हैं वो कहाँ है। देखिए, मैंने शादी क्यों नहीं की, इस पर पहले मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाया है और डाला है कि आपको शादी क्यों नहीं करनी चाहिए इस सिस्टम में। क्योंकि ये सिस्टम में जब आप बीबी को लाते हैं तो उसके साथ 500 और लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जिनकी आप शादी मुंडनों में ही जाते जाते आपका जीवन ख़त्म हो जाता है। या आप उसी में जा रहे हैं, आज वो बीमार हो गया, आज वो हो गया, आज मुंडन हो गया, आज मर गया, आज ये हो गया, तो इसी में ही करते करते एक प्राणी के आने से। फिर दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यहाँ के बैंक कैसे काम करते हैं, फिर आधार कार्ड, फिर स्कूल में बच्चों का एडमिशन, यही सब कराते कराते इस सिस्टम में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मैंने शादी नहीं की, क्योंकि मैं इस सिस्टम में अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। मैं बैंकों की लाइनों से और इनमें और ये आधार कार्ड की लाइनों से और इनसे ऊब गया हूँ, ये ट्रैफिक जैम से। ये सिस्टम ही कह रहा है कि तुम शादी मत करो, क्योंकि तुम्हारा सारा समय मैं चूस जाऊँगा। ये सिस्टम तुमसे कह रहा है, पता नहीं तुम सुनते क्यों नहीं हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। एक बैंक में कोई काम कराने जा रहा हूँ, 25 बार दौड़ाते हैं, 50 बार वो तो गनीमत है, सब कुछ थोड़ा बहुत इंटरनेट पर होता जा रहा है, ऑनलाइन नहीं तो पहले तो बहुत ही ख़राब हालत थी। वहाँ जाओ, ट्रेन की पटरी, रेल पे प्लेटफॉर्म पे जाओ, आदमी आदमी, भीड़ भीड़, वहाँ ट्रेन में जगह नहीं मिलती। वहाँ जाओ, वहाँ भी जगह नहीं मिलती। स्कूलों में एडमिशन के लिए लाइन लगाते रहो, इसमें जाओ, उसमें जाओ, उसमें जाओ। तो तुम्हें अगर लगता है कि ये सिस्टम तुमसे कह रहा है कि शादी करो, मुझे तो नहीं लग रहा। शादी को समय चाहिए, ठीक है ना? और अगर समय नहीं दे सकते हो, महिलाओं को समय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दे वॉन्ट टाइम, दे शुड बी अप्रिशिएटेड एंड सीन, एंड देयर माइन्यूट थिंग शुड बी नोटिस्ड। अगर आप महिलाओं को नोटिस नहीं करोगे तो वो तुमसे कोई प्रेम नहीं करेगी, वो कहेगी कोई मतलब ही नहीं है इसको, वो देना पड़ता है, ये संसार का नियम है, इसे समझ सकते हो तुम, इसे ला, ठीक है। अब जहाँ तक मेरी बात है, देखो इसमें मैं तुम्हें बता सकता हूँ थोड़ा बहुत कि मेरी दो गर्लफ्रेंडें थीं, ठीक है, और मेरी उनमें से किसी से शादी नहीं हो पाई। पहली वाली के बारे में तो खैर सभी को मालूम है, मेरे घर वालों को भी मालूम है, दूसरी वाली के बारे में कुछ कम लोग जानते हैं। इस पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि मेरी प्रेम कहानी, हो सकता है इस पर ही बाद में वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं बताता हूँ कि मैं शादी क्यों नहीं कर रहा। देखिए, एक दिन मैं बिस्तर में सो रहा था। मेरी घटना को आप सही मानिएगा और ये बिल्कुल सत्य घटना है। एक दिन मैं बिस्तर में सो रहा था, इसी बिस्तर में जिसमें स्टैंड रखा हुआ है। रात की बात थी, पता नहीं कितना बज रहा था, टाइम किसको मालूम है। तो मैंने देखा कि मेरे बगल में एक स्त्री सो रही है, महिला। ये मजाक की बात नहीं है, मैं तुम मेरी बात पे यकीन करो। मैंने देखा एक सुंदर सी स्त्री सोने के गहने पहने हुए, बिल्कुल अप्सरा जैसी, मेरे बगल में सो रही। तो मैं उसको देखते रह गया, मैं कहा ये कौन है, और मैं उठ गया था उस समय। कमाल की बात है, ये नहीं है कि मैं सुसुप्ति अवस्था में था, मतलब नींद और जागृत के बीच की अवस्था में भी नहीं था, मैं तो जग गया था। मैंने सोचा ये कौन है, मेरी तो कभी शादी हुई नहीं, ये कौन आ गई, ये है कौन। तो मैंने उसको पकड़ा ऐसे करके, अब सुनो तुम। वो जैसे ही मैंने उसको पकड़ा, वो मेरी नाभि में घुस गई। तो मानोगे नहीं, वो मेरी नाभि से निकली थी, और ये सत्य बात है ये, और वो नाभि में घुस गई। अब तुम कहोगे ये बात झूठ है, लेकिन ये बात सच है, क्योंकि वो थी और वो है, मुझे मालूम है। क्यों है, मैं ये तुम्हें बताता हूँ। वो जो मंदिर में, मैं तुम्हें इस पर भी वीडियो बना के दिखाऊंगा, जो मंदिर में मेरे ऊपर पावर गिरी थी, वो एक औरत थी, यस, और मैं 100% श्योर हूँ वो एक औरत थी। अब जब से मैंने उसको देखा, वो अंदर घुस के नाभि में जाके बैठ गई। अब मैं समझाऊँ, और फिर वो रात में नाभि से निकल आई। और उस दिन के बाद से अब मैं इससे बात भी करता हूँ। हाँ, ये सही बता रहा हूँ तुमको, मैं इस औरत से बात करता हूँ अपने आप से। और मेरी शादी हुई है कि नहीं, अभी तुम समझ लो, ये मुझे तो लगता है मेरी शादी हो गई उस औरत से। वो लाइट की औरत थी, फोटॉन्स की बनी हुई, शी वॉज अ वुमन ऑफ लाइट,
वो मेरे अंदर घुस गई लाइट के रूप में, वो नीली ब्लू वेव के रूप में घुसी और वो मेरी नाभि में बैठ गई और नाभि से निकल आती है, निकल के आती एक ही बार निकली। उसके बाद से मैं इसे कितनी बार कहता हूँ बाहर निकलो बाहर निकलो, पर ये कभी बाहर निकलती ही नहीं। और मैंने कितनी कोशिश कर ली मैं यूं यूं करता हूँ लेकिन होता ही नहीं कुछ समझ रहे हो। तो ऐसा अब ये तुम जानो कि मेरी शादी हुई कि नहीं हुई, अब ये तुम डिसाइड कर लो। और ये ऐसा ये बिल्कुल सत्य घटना है, ठीक है। तो ये अब मैं देखो ये कब निकलती है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है। या मैं कभी कभी लोगों से कहता हूँ वो मेरी बीबी रात में बाहर निकल आती है। अब ये तुम जैसे इसको इंटरप्रेट करते हो करो, बस यही सत्य है कि वो फोटोन और लाइट की बनी हुई बीबी है। बाय।